बरेली में 164 साल पुराने दशहरा मेला को देखने एक शख्स बुर्के में पहुंचा। इस बात की पोल तब खुली जब लोगों को बुर्का पहने हुए पर शक हुआ और चेहरे से बुर्के का नकाब हटाया गया तो बुर्के के अंदर के महिला नहीं दाढ़ी वाला व्यक्ति था। यह देखते ही मेले में घूम रहा है लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पूरे देश में जहां एक तरफ हिजाब और बुर्के को लेकर बहस छिड़ी हुई है तो दूसरी ओर कुछ लोगों ने बुर्के में खुद को छिपाने का तरीका निकाल लिया है। वैसे तो बुर्का मुस्लिम महिलाओं का परिधान है लेकिन पुरुषों ने भेष बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही मामला सामने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेड़ी क्षेत्र से आया है। यहां पर चल रहे 164 साल पुराने मेले को देखने एक शख्स बुर्के में पहुंचा। इस बात की पोल तब खुली जब लोगों ने बुर्का पहने हुए शख्स को चेहरे से बुर्के का नकाब हटाया तो बुर्के के अंदर महिला नहीं बल्कि दाढ़ी वाला व्यक्ति था। यह देखते ही मेले में घूम रहा है लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। बुर्का पहने हुए व्यक्ति पर जब लोगों को शक हुआ तो कुछ लोगों ने पूछताछ की तो युवक ने दौड़ लगा दी। यह देखते ही मेले में घूम रहे लोग समझ गए कि बुर्के में कोई महिला नहीं बल्कि कोई युवक है जो कि मेले में कोई संदिग्ध गतिविधि के तहत आया हुआ है। भीड़ में शोर शराबा सुनकर लोगों ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो युवक कहने लगा कि अल्लाह की मर्जी से वह यहां आया है और अल्लाह अगर चाहेंगे तो उसे सजा मिलेगी और मेरे रब की मर्जी नहीं होगी तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे सजा दे सके। इस तरह की बहकी बहकी बातें युवक पुलिस के सामने करने लगा। फिलहाल युवक को पुलिस थाने ले आई है और पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि पकड़ा गया युवक मंद बुद्धि है इसलिए उसने बुर्का पहन लिया और मेले में आ गया। पूछताछ के बाद व्यक्ति बहकी बहकी बातें कर रहा है।